गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। लेकिन मैक्सवेल टेंसर स्ट्रेस टेंसर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्केलर के बारे में पहले बताया गया है, तो स्ट्रेस टेंसर से पहले हम लोग टेंसर के बारे में जानेंगे कि वो क्या है क्या। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि स्केलर वेक्टर क्या है। तो स्केलर के बारे में आपको मालूम ही है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे लेंथ है, डिस्टेंस है, टेम्परेचर है। तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया कि टेम्परेचर 273 केल्विन, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मेजरमेंट था, आपको याद होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताया गया, यानी इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट की ज़रूरत थी, ठीक है। तो ये वेक्टर नहीं है, और इसी में एक ही कंपोनेंट की ज़रूरत हुई तो इसमें डायरेक्शन नहीं आया, तो इसलिए रैंक इसका 0 हुआ, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं वेक्टर पे। तो आप देख पा रहे हैं वेक्टर, तो वेक्टर क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, और ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद होना चाहिए, दो तरह का था, एक ट्रायंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम रूल, जिसमें हम लोग रिजल्टेंट दो वेक्टर का निकालते थे। तो इसमें एग्जांपल में जैसे डिस्प्लेसमेंट दिया गया, वेलोसिटी दिया गया, तो एक एग्जांपल मैंने दिया है कि जैसे मान लो कि कोई भी कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई जेड में पी पॉइंट में एक्स और वाई जेड कोऑर्डिनेट है, तो उसका अगर वेक्टर पोजीशन ये है, जिसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, तो अगर वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है वो कंपोनेंट्स है, स्केलर कंपोनेंट्स, एक्स है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई है अलॉन्ग वाई एक्सिस, जेड है अलॉन्ग जेड एक्सिस, और साथ ही साथ आई कैप जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर भी डाला गया। ओके, तो यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स हैं और सबका अपना अपना एक यूनिट वेक्टर है। तो इसको तो अगर हम देखें तो यानी हर कंपोनेंट के तीनों कंपोनेंट के लिए अपना अपना यूनिट वेक्टर है, तो सबको डिफाइन करने के लिए एक डायरेक्शन दिया हुआ, ठीक है। यानी x वाला x एक्सिस की तरफ है, y वाला y एक्सिस की तरफ, z वाला z एक्सिस की तरफ, तो इसलिए उसका रैंक 1 हुआ। जबकि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं था, अगर हम यहाँ की बात करें तो डायरेक्शन नहीं था, इसलिए यहाँ पे रैंक 0 हुआ। ओके, अब हम टेंसर करेंगे। तो टेंसर क्या होता है, आप देख सकते हो, यहाँ पढ़ सकते हो, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर की तरह ही होगा, लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, उसको हम टेंसर कहते हैं। अब इस टेंसर की ज़रूरत क्यों आ पड़ी, अब ये जानने के लिए हमें थोड़ा पहले एक बेसिक फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पे। ज़रा मैं इसको साइड करूँ, हाँ, शेयर आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस के बारे में, कि स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो तरह का मिक्सिंग है, एक फोर्स है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो दोनों चीज़ें हैं, तो ना तो हम एग्जैक्टली इसको स्केलर बोल सकते हैं, ना ही एग्जैक्टली इसको वेक्टर बोल सकते हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो इसको यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है कि एक क्यूबॉइड लिया गया, क्यूब या क्यूबॉइड के बारे में आप लोग जानते ही हैं, उसमें वर्टिकल को वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल को एक्स ले लिया, और इधर जेड एक्सिस ले लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये बैक साइड है, यहाँ पे ये पीछे की तरफ है, और ये साइड है फ्रंट का, मतलब हमारी तरफ है, हम यहाँ पे अगर खड़े हैं तो, और ये बैक है, ठीक है। तो अगर मैं जैसे मान लो कि ये सरफेस ले रहा हूँ, यानी कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो इस हमारी दाई तरफ, तो इस तरफ का अगर हम फेस ले लें, तो इस फेस पे अगर एरिया वेक्टर की बात करें, तो आपको याद होना चाहिए कि एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसी भी सरफेस पे, तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो इस तरफ क्या है, एक्स एक्सिस है, तो यानी ये एक्स की तरफ इसका एरिया वेक्टर हो गया। और इस पर फोर्स क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ फोर्स तीन तरह का हो सकता है, एक वाई भी हो सकता है, एक जेड भी हो सकता है, और एक एक्स भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से देखो, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा प्लस स्ट्रेस के बारे में है, और एक्स एक्स में जो पहला एक्स है वो और सिर्फ एरिया वेक्टर के बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हो कि अगर यहाँ के लिए मैंने लिखा होता, तो यहाँ पे ये वाई, यहाँ पे वाई एक्स आ जाता, एक मिनट मैं इसको करेक्ट करूँ, यस, तो वाई, ये वाई ये बतला रहा है कि इसका एरिया वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ है, और ये वाई क्या बतला रहा है, ये फोर्स इस पे इस तरफ है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हर जगह फोर्स, पहला जो कंपोन
पहला जो टर्म होगा वो एरिया वेक्टर के बारे में बताएगा और दूसरा जो टर्म होगा फोर्स के बारे में बताएगा। तो हर जगह तीन तीन का फेस आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा अगर थ्री डायमेंशनल है तो इस तरफ भी तीन, इस तरफ भी तीन, इस तरफ भी तीन, टोटल नाइन कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो अगर नाइन कंपोनेंट्स के लिए अगर हम लिखें तो याद कीजिए कि एक मैट्रिक्स होता था। मैट्रिक्स क्या होता था, एक अरेंजमेंट होता था एलिमेंट्स का जिसको स्क्वायर बॉक्स में लिखते थे। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि सिग्मा एक्स का अगर यानी कि एरिया वेक्टर अगर एक्स हो तो उसका क्या क्या आएगा, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स वाई यानी कि वाई वाला फोर्स, एक एक्स वाला था फिर एक जेड वाला फोर्स, इसी तरीके से सिग्मा वाई जेड, वाई वाई, वाई जेड, सिग्मा एक्स एक्स, जेड वाई, जेड जेड। इसमें बाईसिमेट्री यानी कि अगर एक जैसा कैसे दिखेगा, एक जैसा का मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें सिग्मा एक्स वाई है, ओके इस तरफ है तो यहाँ भी सिग्मा, यहाँ पे क्या है इस फेस में भी अगर आप देखें तो इस तरफ एक्स डैश है और इधर वाई, तो सिग्मा एक्स डैश वाई, ठीक है तो यहाँ पे भी आ गया। फिर इसी तरीके से यहाँ का अगर देखें सिग्मा अगर वाई वाई है और ये अगर सिग्मा एक्स 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 वाई वाई एक्स है तो इस तरफ भी आएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे तो सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा वाई एक्स एक ही हो गया। इसी तरह सिग्मा जेड वाई और सिग्मा वाई जेड एक ही हो गया। इसी तरह सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा जेड एक्स एक हो गया। तो यानी टोटल नाइन कंपोनेंट्स में सिर्फ और सिर्फ बाईसिमेट्री से तीन और तीन छः हट, तीन हट गए तो बच गया सिक्स इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। तो इसीलिए मैं यहाँ पे नाइन कंपोनेंट्स है जिसमें सिक्स इंडिपेंडेंट होंगे। तो और इसका रैंक क्या हुआ, रैंक टू हो गया। रैंक टू क्यों हो गया, अब आप समझ सकते हो कि आपको इसको सिंबलाइज करने के लिए एक्स और वाई यानी कि एक एरिया वेक्टर का ज़रूरत है और एक फोर्स का डायरेक्शन ज़रूरत है हर जगह। तो इसीलिए इसका रैंक टू हो गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो दो तरह का डायरेक्शन बताना पड़ा एरिया के लिए भी और फोर्स के लिए भी। वेक्टर वाले में एक ही तरह का डायरेक्शन हर कंपोनेंट के लिए, तो यहाँ पे रैंक वन हो गया। और स्केलर की बात करें तो स्केलर में कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए वहाँ पे ज़ीरो हो गया। तो आई होप अब आपको टेंसर समझ में आ गया, उसका एक एग्जांपल भी मैंने दे दिया। अब हम आते हैं मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर के बारे में। तो मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर को पढ़ने से पहले एक सिंबल को हमें पता मालूम होना चाहिए हमें। एक होता है क्रोनेकर डेल्टा जिसका सिंबल इस तरीके से लिखते हैं। ये ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट और इसको बोल सुपर सबस्क्रिप्ट और इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। याद रखिएगा सुपर सबस्क्रिप्ट और ये सबस्क्रिप्ट। तो इसको डेल्टा म्यू, म्यू यहाँ पे सुपर सबस्क्रिप्ट है और वी सबस्क्रिप्ट है उसे, या इसको आई जे भी ले सकते हो। तो ध्यान रहे यहाँ पे आई जो हो गया ऊपर वाला हो गया, जे नीचे वाला हो गया, ओके। तो इस तरीके से तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा गया कि डेल्टा म्यू वी यानी ये क्रोनेकर डेल्टा है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो वन होती है कब, जब सुपर सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आपस में इक्वल हो, जब डिफरेंट हो अलग अलग हो तो वो जीरो हो जाती है। तो ये क्रोनेकर डेल्टा होता है। ये क्यों जानना ज़रूरी था, क्योंकि अब आगे देखोगे आप मैक्सवेल टेंसर जो है एक्चुअली स्ट्रेस टेंसर ही, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था सिग्मा के बारे में जो एक मैट्रिक्स में था, तो उसी के बारे में है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का होता है। ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ईएम को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो इसको सिग्मा, वही सिग्मा आईजे से ही इसको लिया गया। आईजे आप समझ गए किस लिए लिया गया, क्योंकि यहाँ पे रैंक टू है इसलिए दो डायरेक्शन चाहिए ही, फोर्स के लिए भी और एरिया वेक्टर। पहला तो एरिया वेक्टर होगा, बाद वाला फोर्स वेक्टर। तो ये होता है एप्सिलॉन नॉट ई आई ई जे प्लस वन बाई म्यू नॉट इंटू बी आई इंटू बी जे प्लस सॉरी माइनस, ये माइनस है ध्यान रखें, हाफ ऑफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस वन बाई म्यू नॉट बी स्क्वायर ब्रैकेट में और इंटू डेल्टा ई जे जो क्रोनेकर्स डेल्टा के बारे में अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी। म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी। ई जो होता है और बी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और डेल्टा आई जे के बारे में बताया ही मैंने कि ये क्रोनेकर डेल्टा होता है। तो अब तो हम स्ट्रेस के बारे में जानते हैं क्या होता है, वो फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका ऐसा यूनिट इस टेंसर का भी क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेस मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर है वो उसका भी यूनिट फोर्स यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है द एलिमेंट आई जे जो है वो क्या यूनिट है उसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्लक्स ऑफ मोमेंटम पैरेलल टू द आईथ एक्सिस क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मल टू द जेथ एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शंस पर यूनिट टाइम।
तो यही हमारा मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि टेंसर क्या है, क्यों ज़रूरत होती है, और फिर उसके बाद मैक्सवेल टेंसर का ये सिंबॉलिक जो इक्वेशन है इसको आपको याद रखना है। ओके, इसको बार बार रिवाइज कीजिए। ओके, और घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।